शिक्षा विभाग द्वारा बुधवार को शैक्षणिक गुणवत्ता संवर्धन कार्यशाला का आयोजन अयोध्या दास इंटर कॉलेज के सभागार में किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में संयुक्त शिक्षा निदेशक मंडल योगेंद्र कुमार सिंह, जिला विद्यालय निरीक्षण ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह भदौरिया, जिला शिक्षक एवं प्रशिक्षण संस्थान के प्राचार्य जयप्रकाश, अयोध्या दास इंटर कॉलेज की प्रधानाचार्य रेमी यादव सहित विभिन्न इंटर कॉलेजों के प्रधानाचार्य मौजूद रहे। कार्यशाला को संबोधित करते हुए वक्ताओं ने शैक्षणिक गुणवत्ता संवर्धन कार्यशाला पर प्रकाश डाला और बच्चों को सरल तरीके से पठन पाठन कराने तथा उन्हें टैलेंटेड बनाने के टिप्स दिए। देखिए सबने एक पिक्चर नाम दिया था, क्या बोलते ताई जमीन पर, एक पिक्चर और है थ्री इडियट, उसको भी देखिए, वो भी देखने लायक है। जिसने दो पिक्चर नहीं देखी है वो कभी मोटिवेशन नहीं जानता है। काबिल बनो, कामयाब अपने आप हो जाओ, इसका सेंटेंस यही था। काबिल बनो और कामयाब बनो, वही चाहता हूँ। एक टीचर को काबिल बनना है वो भी कामयाब हो जाएगा, और उद्देश्य हमारा पवित्र है। दुनिया में इससे अच्छा उद्देश्य होना कोई हो ही नहीं सकता है। बहुत भाग्यशाली हम लोग, मौका दिया। इनका जीवन जैसा इन्होंने बताया, एक तरह से हम सभी लोगों के लिए एक स्टडी केस हो सकता है। जो बच्चा होता है वो जब स्कूल में जाता है तो बहुत सारे उसके मित्र मिलते हैं, बहुत सारे बच्चों से इंटरेक्ट होता है, और उन बच्चों से इंटरेक्ट होने के साथ बहुत सारी बातें सीखता है। वो अच्छी भी होती हैं, बुरी भी होती हैं। बुरी बातें वो जल्दी सीखता है और अच्छी बातें सीखने में उसको थोड़ा समय लगता है। लेकिन इन्होंने एक बहुत अच्छी बात कह करके अपने जीवन के उदाहरण से आपको प्रेरित किया। इन्होंने कहा कि हमने एक बार एक गलत प्रयास किया, शिकायत की बात करी, मुख्य हालातों में हुआ। इससे आपके जो प्रश्न हमने एक बीच में पूछा था उसका पूरा उत्तर आ जाता है। तो जब आप बच्चे को ये समझ करके समझाने का प्रयास करते हैं कि बच्चा दंड से ज़्यादा सीखता है, तो उसको महसूस होता है। और एक बड़ी अच्छी बात इन्होंने लास्ट में अभी अपने को ब्लेम करते हुए कहा, उससे बच्चा कभी परेशान नहीं होता। लेकिन अगर मेंटल टेंशन है, अभी दो दिन पहले आपने एक हिस्ट्री पढ़ी, एक दरोगा जी ने सुसाइड कर लिया, छोटी सी बात रही होगी कुछ ना कुछ, एक जीवन जो हम लोगों के बीच में होना चाहिए वो नहीं है। बच्चा जो बहुत सीखने में समझने में अबोध है, और एक गुरु शिष्य की परंपरा हमारी रही है जिसमें गुरुओं के पास बच्चे को भेजने के बाद हर अभिभावक संतुष्ट हो जाया करता था कि हमने गुरु के पास भेज दिया है। वो अभिभावक क्या आज भी उसी तरह से संतुष्ट है? क्योंकि भाई घर में ये इच्छा थी कि ये बाद में चलकर डॉक्टर बन जाएगा तो हमारा ट्रीटमेंट करेगा। ट्रीटमेंट तो कोई भी करेगा, हम अपने बच्चे से ही ये अपेक्षा करें कि म्यूजिशियन बन जाएगा मेरा, वो इंटरटेनमेंट करेगा, या डॉक्टर बन जाएगा हमारा ट्रीटमेंट करेगा, ये मैथमेटिक्स साइंटिस्ट बन जाएगा, ये सब बातें हैं। और देखिए करने सीखने से ही बातें आती हैं बहुत कुछ। आज विश्व में एक चीज़ ये हो रही है कि लोग मंगल ग्रह पर जीवन बसाने की बात सोच रहे हैं, और हम अपने पड़ोस में भी रहने की बात ऐसे नहीं सोच पाते हैं। ये सब बातें हैं, मुझे पूरा भरोसा है कि आप लोग इनकी जीवनी से प्रेरणा लेंगे। इन्होंने ड्रामेटिकल ढंग से कहा, लेकिन निश्चित रूप से वो हमें सबको जो जिस काम से हम लोग जुड़े हुए हैं, जिस वर्ग से जुड़े हुए हैं, उसके लिए हमें प्रेरित करने वाली बात है। क्रिकेट खेलना, कबड्डी खेलना बुराई नहीं, खेल में अच्छे थे, तो समझने की जरूरत है। आप समझेंगे तभी पीढ़ियाँ आगे बढ़ेंगी। रियल सेंस में वो जो एक पढ़ने का तरीका और जो लिखने का तरीका है, जो उसके अंदर आना चाहिए, जो एक सोच होनी चाहिए, शायद वो विकसित नहीं हो पा रही। और डीआर साहब शायद इसलिए आगे चल करके अच्छा कर लिए सब्जेक्ट दूसरा होने के बावजूद भी, उस सब्जेक्ट को इन्होंने रख करके कंपटीशन भी पास किया और उसके थ्रू आज हम लोगों के बीच में है, तो निश्चित रूप से वो एक प्रेरित करने वाली बात है।